अस्सलाम वालेकुम। अमूमन मेरी कोशिश होती है कि मैं नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करूं, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने एक ऐसी पोस्ट देखी कि यार दुख हुआ और गुस्सा भी आया। सो प्लीज बेयर विद मी बिकॉज़ आई एम गोना गो ऑन अ नॉनस्टॉप रैंट, और अगर आपको मेरी कोई बात गलत लगे तो जरूर कॉमेंट्स में मुझे बताना। अच्छा जी, कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट देखी, हमारे पाकिस्तानी भाई ने शेयर किया और नीचे हु हा लगा हुआ है, जिसपे उसने लिखा हुआ था नेम्स ऑफ इंग्लिश ड्रामास, ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक, स्ट्रेंजर थिंग्स, गॉसिप गर्ल, कितना कूल है नेम ऑफ पाकिस्तानी ड्रामास, मिला ले यार, जिंदगी गुलजार है, हम सफर। फिर मैंने सोचा कि मैं गाली तो नहीं देना चाह रहा उसे, लेकिन मुझे तू ये बता कि उर्दू ड्रामे का नाम हम उर्दू क्यों ना रखें, नहीं उर्दू ड्रामे का नाम हम कोरियन रख लें, नहीं कभी किसी चाइनीज के पास गए और कभी उसको जाके बोला कि यार मेरी बात सुनो, आपके ड्रामे का नाम चिंगपोंग पूंग क्यों और आपके ड्रामे का नाम ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक क्यों नहीं, क्योंकि कॉमन सेंस। और वैसे भी अगर देखा जाए तो स्ट्रेंजर थिंग्स पे तो वैसे आप ड्रूल कर रहे हो, लेकिन अगर आप उसको उर्दू में ट्रांसलेट करो तो इट बिकम्स अजनबी चीजें। अच्छा गॉसिप गर्ल बहुत कूल है, लेकिन अगर हम चुगलखोर आंटी रख लें तो फिर भी आपको मसला है, और हम लिटरल सेंस में इसलिए रखें क्योंकि इट डज नॉट मेक सेंस। यही मेरा पॉइंट है कि उर्दू ड्रामे और इंग्लिश ड्रामों के नाम आप किस तरह कंपेयर कर सकते हो, उनकी अपनी लैंग्वेज हमारी अपनी लैंग्वेज है, गेट आउट ऑफ दिस इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इंग्लिश में कोई भी चीज हो तो हमारे कूल बच्चे जो है वो उसको शेयर करके बोल देंगे कि आई रियली फेल्ट दैट। इंग्लिश में अगर कोई बोल दे कि सन यू आर एवरीथिंग टू मी, उसको शेयर करके उसको ऐसे कोट करके नीचे लिख दे के व्हेन फलानी एक्ट्रेस सेड दिस आई रियली फेल्ट दैट। लेकिन जब हमारे आबिद अली जी ने दियारे दिल में ये बोला था कि दिल दलील नहीं मांगता, दिमाग दलील मांगता है, कितनी खूबसूरत बात है, कितनी बड़ी बात है, लेकिन पता ही नहीं उसकी शायद दो वजूहत है, वजूहत नंबर वन के ड्रामा नहीं देखा आपने, और वजूहत नंबर टू शायद आबिद अली जी ने डायलॉग इंग्लिश में नहीं बोला। और जाहिर है जब इंग्लिश में नहीं बोलेंगे तो आवाम को समझ कैसे आएगी, क्योंकि हमारी आवाम को तो सिर्फ इंग्लिश समझ आती है। आप लोगों को यह भी समझना होगा एक चीज होती है उसे कहते हैं नैरेटिव फिक्शन। चार साल फिल्म स्कूल में लगा के यही एक चीज मैंने सीखी है, वो ये होती है कि दुनिया में एक चंद ही टॉपिक्स है, यू हैव लव, डिसीट, लस्ट, बिट्रेयल, फ्रेंडशिप, हेट, यही चीजें हैं। स्टोरियां इन्हीं के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेंगी, व्हाट डिफर्स इज हाउ यू नैरेट इट, जिसे आप कहते हैं अंदाजे बयान। मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो भी ये वीडियो इस वक्त देख रहा है, आप जब अपनी खाला के घर जाती है तो खाला ये नहीं बोलती कि बेटा मैंने और चाचू ने फैसला किया कि हम फलाना बैंक लूटेंगे और पता है इसमें हमारे साथ ताया बूजी भी होंगे, ऐसा नहीं होता, डस नॉट हैपन। ये होता है कि जब आप जाते हैं तो कहीं फौत की, कहीं गमी खुशी, रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्ते बन रहे हैं, बिकॉज लाइक इट और नॉट दिस इज आर कल्चर। और अब मैं इधर प्रीच नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको रियलिटी दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा मजे की बात यह, क्रिटिसाइज भी वो आवाम कर रही है जिन्होंने भी ड्रामे देखने भी नहीं होते, मतलब ये वो आवाम है जो पूरी रात सिर्फ नेटफ्लिक्स बैठ के देखती है और क्रिटिसाइज पाकिस्तानी ड्रामा करती है। यू शुड हैव एन ओपिनियन, दैट्स गुड, बट यू कैन नॉट हैव एन ओपिनियन अगर आप कोई चीज देख ही नहीं रहे हो, बिना किसी चीज को जाने आप उस पर ओपिनियन दे रहे हो, मतलब घर बैठे बैठे आप उधर मनी हाइस्ट बिंज वॉच कर रहे हो, ठीक है वेरी ग्रेट शो बहुत आला, और ओपिनियन आप ये दे रहे हो पाकिस्तान में तो अच्छे ड्रामे बन ही नहीं रहे, तूने देखी। दूसरी बात आप कहते हो पाकिस्तान में अच्छी फिल्में नहीं बन रही, अच्छी फिल्में नहीं बन रही, मेरी बात सुने, प्रोड्यूसर जो है वो खोते का बच्चा है कि वो इतने इतने बड़े बजट वाली फिल्म बनाए और आप लोग देखने ना जाए, मतलब आई एम द सोल विटनेस, मैं एक फिल्म थी केक, मैं वो देखने गया था, बड़ा ब्यूटीफुल फिल्म, और सिर्फ मैं और मेरा एक दोस्त थे पूरे सिनेमा में, सिर्फ दो बंदे, रात के 11 बजे का शो था, सिर्फ दो बंदे बैठे पूरे सिनेमा में, और बाहर निकल के देखा तो बागी 2 से, बागी 2 जो उस वक्त इंडियन फिल्म्स बैन नहीं थी, पूरा हाउसफुल है और लोग निकल रहे हैं। तो अब केक का जो प्रोड्यूसर है वो पागल है कि उसे किसी कुत्ते ने काटा कि वो फिर से इतने पैसे लगा के ऐसी फिल्म बनाए जिसको वो देखने जाता नहीं। मैं ये भी जस्टिफाई नहीं करना चाह रहा कि लोगों का फिल्म ना देखना गिव्स एन एज टू द डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स कि आप अच्छी फिल्म ना बनाए, लेकिन एक साइड मेरी बात सुनो, फिल्म देख के उसको जज करो ना, बिना देखे कैसे जज कर रहे हो, मतलब कि इंग्लिश घटिया फिल्म को भी सबसे आगे 500 रुपया लेके बोलना है बाबा जी ऐसा सिर्फ इंग्लिश फिल्म देखनी है, भावे चंगी है बुरी है देखनी इंग्लिश फिल्म है, समझ भले ना है, एंड में भले मजा ना आए लेकिन बस इंग्लिश फिल्म है तो 500 रुपया देना है, पाकिस्तानी फिल्म को चांस भी नहीं देनी, हाउ हिपोक्रिटिकल इज दैट। अच्छा दूसरी बात, अब पाकिस्तान सिर्फ लाहौर कराची इस्लामाबाद नहीं है, और लाहौर कराची इस्लामाबाद में भी सिर्फ डिफेंस क्लिफ्टन और क्या कहते हैं कैंट नहीं है, पाकिस्तान इज झेलम, पाकिस्तान इज फैसलाबाद, पाकिस्तान इज हैदराबाद, पाकिस्तान इज क्वेटा, पाकिस्तान इज पेशावर, सिर्फ आप 10% एलीट आवाम को सेटिस्फाई करने के लिए एक पूरा जो प्लॉट लाइन है वही चेंज करते हैं, मतलब वी कांट हैव स्टोरीज लाइक के लड़का घर आता है और कहता है मॉम हम 3 महीने के लिव इन रिलेशनशिप में थे एंड इट डिड नॉट वर्क आउट, तो अब मैं आमना के साथ रिलेशन में हूँ, तो सिर्फ ना छितर आएंगे, मैं जूती नहीं उठाना चाह रहा, जूती जरा गंदी है मेरी, लेकिन छितर आएंगे उसके बाद आपको सिर्फ। मजे की बात, पाकिस्तानी ड्रामास देखती हमारी ये सारी कराची लाहौर इस्लामाबाद के अलावा वाली आवाम है, और ये जो आवाम पाकिस्तानी ड्रामास नहीं देखती सबसे ज्यादा तनकीद भी यही कर रहे होते हैं, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड, दोगलापन नहीं मुझे समझ आ रहा। पाकिस्तानीज भी अभी काफी कोशिश कर रहे हैं स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करने के, विद ड्रामास लाइक उडारी, विद ड्रामास लाइक
बागी, कंदील बलोच वाला और भी काफी ड्रामाज है जिसमें मजीद स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है, बट आराम आराम से होगा ना। मेरी बात सुनो, डिफेंस फेज 5 में ही सिर्फ बैठ के पूरा पाकिस्तान नहीं चलता, और 0.001% भी नहीं हो यार आप लोग, एंड यू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर कंट्री। आई थिंक वी नीड टू काम डाउन और थोड़ा सा क्या कहते हैं सपोर्टिव भी होना पड़ेगा। अब हाँ, इसका ये मतलब भी नहीं कि आप हर वो चीज घटिया चीज भी सपोर्ट करो, लेकिन एटलीस्ट देख के किसी चीज का ओपिनियन दो तो वो चीज अच्छी भी लगे। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करो, और ये नहीं कि घर बैठ के बस बोल दो नकबजन कैसा नाम होता है, हम तो सिर्फ ब्रेकिंग बैड देखते हैं। क्या सीन है ब्रेकिंग बैड देखते हो, इधर भी चलती है, आम चलता है ऐसे ये सब इधर नहीं ना। तो आई थिंक वी नीड टू काम डाउन और थोड़ा सा तहम्मुल करो। और मैं इधर प्रीच करने नहीं आया पाकिस्तान और पाकिस्तान से मोहब्बत, लेकिन थोड़ा सा अपने मुल्क को सपोर्ट करो, अपने आप को जानो, नो योर कल्चर, नो योर आइडेंटिटी। कभी अपने माँ बाप अपने दादा बू से बात करो, एंड देन मे बी यू विल अंडरस्टैंड, एंड वी शुड बी ग्रेटफुल दैट वी हैव सिनेमा एंड ड्रामा इन आर कंट्री, वो जो आहिस्ता आहिस्ता प्रॉस्पर कर रहा है, हम इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं। एंड जस्ट फॉर अ फ्यू लाफ्टर्स अपनी प्रोडक्ट का इतना मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव हाँ बिल्कुल, लेकिन बेबुनियादी और बस फजूल की बातें, डिग्रेडिंग योर ओन लैंग्वेज। मतलब उर्दू ड्रामे का उर्दू नाम ना हो तो क्या बस स्पेनिश रख लें? सॉरी यार, बोलते बोलते पता नहीं लगा, आई जस्ट केप्ट स्पीकिंग कंटिन्यूसली, बट अगर आपको कोई बात गलत लगी हो तो मुझे जरूर बताना। उम्मीद है आप अग्री किया होगा आपने काफी हद तक। इट्स हाई टाइम वी सपोर्ट आवर ओन कंटेंट। यस टू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।